दोस्तों नमस्कार, hindicoin.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी, भारत में अनेकों ऐसी महान विभूतियों और महापुरुषों ने जन्म लिया है जो अपने पीछे महानता, उदात्त जीवन और महान आदर्शों की विरासत छोड़कर गए हैं। ऐसे महापुरुषों में महात्मा गांधी सर्वप्रथम माने जाते हैं। आज उन्हें हमारी धरती पर जन्म लिए लोगों में से सबसे महान और उदात्त व्यक्ति माना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी का विवाह 14 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हुआ। अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। 1890 में वे वकील बनकर इंग्लैंड से भारत लौटे। भारत में आगमन के कुछ समय बाद ही उन्हें दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी शासन के अधीन अनेकों कठिनाइयों का सामना कर रहे भारतीयों की सहायता के लिए बुलाया गया। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा वहां के भारतीयों के प्रति किए जा रहे अन्यायपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। उनके अथक परिणामों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासन को वहां रहने वाले भारतीयों को और अधिक आज़ादी देने के लिए विवश होना पड़ा। सन 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और कुछ समय पहले से शुरुआत हुए आज़ादी के आंदोलन के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। कुछ ही वर्षों के भीतर वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के निर्विवाद नेता बन गए। भारत को विदेशी पराधीनता से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने 3 जन आंदोलन प्रारंभ किए। वे थे सन 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में राष्ट्र नागरिक अवज्ञा आंदोलन और 1942 का अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन। इन तीनों आंदोलनों ने भारत में ब्रिटिश शासन की बुनियाद को हिलाकर रख दिया और लाखों भारतीय लोग आज़ादी के संघर्ष आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी ने आज़ादी प्राप्ति के लिए अहिंसा और सत्याग्रह को अपने मुख्य हथियारों के रूप में अपनाया। उन्हें कई बार गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, किंतु राष्ट्रीय आज़ादी के लक्ष्य में उन्हें कोई डिगा नहीं पाया। उनकी अगुवाई में सभी वर्गों ने और भारत के सभी धर्मों, जातियों के लोगों ने, चाहे वे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, हरिजन हों, युवा हों, वृद्ध हों, बच्चे हों, सभी ने आज़ादी के उनके आह्वान में शामिल होकर देश के लिए संघर्ष किया। अंग्रेजों ने महसूस कर लिया कि वे अब और ज़्यादा समय तक भारत को गुलाम बनाकर नहीं रह सकते। अंततः उन्हें विवश होकर भारत को 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को आज़ादी देनी ही पड़ी। किंतु देश की आज़ादी का आनंद उठाने के लिए गांधी जी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके। 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो समय एक हिंदू धर्मांध व्यक्ति ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी, क्योंकि उसका विचार था कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष लेकर हिंदुओं का हित कर रहे हैं। इस प्रकार से महान महात्मा की जीवन लीला समाप्त हो गई। वे जब तक जीवित रहे मातृभूमि की अस्मिता और आज़ादी के लिए समर्पित रहे। हमारे जीवन से रोशनी चली गई और हर जगह अंधेरा छा गया। इन्हीं शब्दों में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी की मृत्यु के दुखद समाचार को राष्ट्र के समक्ष प्रकट करते हुए कहा था। गांधी जी की पावन स्मृति में नई दिल्ली में विशेष रूप से बनाए गए राजघाट में गांधी जी की अस्थियों की राख सहेज कर रखी हुई है। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में जो मार्ग बताए थे वे न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के मानवता के लिए अमूल्य योगदान है। उन्होंने राजनीति में पहली बार आध्यात्मिकता के तत्व को शामिल किया और उन्हें हिंसा और नफरत से मुक्त रख के और अधिक उदात्त बनाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का उन्मूलन, पिछड़े वर्गों की उन्नति, गांवों को सामाजिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग आदि पर विशेष रूप से बल दिया। उनके योगदानों की विरासत में से कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने हमारे देश पर दीर्घस्थायी प्रभाव डाला और हमारे देश का नक्शा ही बदल दिया। भारत इस नाते उनका विशेष रूप से आभारी रहेगा कि उन्होंने आम जनता को भी आज़ादी के संघर्ष आंदोलन में शामिल कर दिया।
और इसे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने अपने महान विचारों और आदर्शों और सर्वस्व बलिदान के जरिए सच्चे अर्थों में भारत में आज़ादी के आंदोलन की नींव रखी। उनकी मृत्यु शांति और लोकतंत्र के समर्थक व्यक्ति शक्तियों के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार भारत विश्व शायद आने वाली कई शताब्दियों तक उनके जैसे व्यक्ति को नहीं देख पाएगा। उनकी अमर विरासत समय के थपेड़ों में कभी भी नष्ट नहीं होगी और हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मनुष्य जाति को रोशनी दिखाती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।